आ गई बॉक्सी, आपकी कैब आ गई। हाँ। ओके चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ चलो ठीक है, बाय विराज। आप मम्मा को मिस करोगे? बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी अनन्या एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आज है 1 मई और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, यानी सबका बर्थडे है। और मैंने सुबह के काम जो हैं अपने अपने निपटा लिए हैं, विराज भी स्कूल जा चुका है एंड अभी जो है मैं बना रही हूँ मूँगफली की चटनी। तो बेसिकली आज का प्लान ये है कि शिव को जो है सबसे पसंद है अच्छा खाना खाना, तो मैं उनको बस उनकी पसंद की चीज़ें खिला दूँगी एंड ही विल बी हैप्पी। और तो शुरुआत मैंने करी है, आज फ्राइड इडली बना रही हूँ और मूंगफली की चटनी बना रही हूँ क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है, नाश्ते में बहुत पसंद है। मैं बनाने वाली थी वैसे तो स्पिनच मशरूम सैंडविच बनाने वाली थी, लेकिन हमने अमेजोन फ्रेश से सब्जियाँ जो ऑर्डर की थी वो रात में की थी तो अभी अभी आई हैं, तो मुझे लगा फिर वो वेस्ट होगा। तो मैंने सुबह उठ करके एकदम उठते से ही पहले मैंने सूजी को जो है भिगो के रख दिया था, फिर मैंने जब तक बाकी के काम किए तब तक वो फूल गई एंड देन मैंने उसकी इडली बना दी है। एंड अभी जो है मैं बना रही हूँ, अभिषेक हो गए, अभी जो है मैं बना रही हूँ एक चटनी बना रही हूँ और विराज बस इडली प्लेन इडली खा के गया है नाश्ते में एंड मैंने उसको आलू की भुजिया और पूड़ी दे दी है। मैं लंच के लिए बना रही हूँ रस्से वाला आलू जो भंडारे में बनता है ना, शिव को बहुत पसंद है और उसके साथ पूरी। वैसे तो शिव डाइट कर रहे हैं तो उनको ये सब खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा आज बर्थडे आज अब खा सकते हैं तो बस वही मैं बनाऊंगी। सिंपल लंच रहेगा, रस्से वाला आलू पूड़ी और रायता। एंड डिनर का देखेंगे डिनर में क्या मैं बनाती हूँ, कुछ अच्छा भी बना सकती हूँ। एंड मुझे करने हैं बहुत सारे काम आज जो हैं और मुझे शिव का गिफ्ट भी तैयार करना है। तो गिफ्ट मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, व्लॉग वाले वीडियो में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा इस व्लॉग के बाद आएगा तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। और दो तीन मुझे गिफ्ट्स अभी रेडी करने हैं तो मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ और आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और मीनवाइल मैं लंच भी प्रिपेयर करके रख दूँगी ताकि मुझे फिर मेरा टाइम जो है फ्री हो जाए। और अभी मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं, फ्रूट्स वगैरह मैंने कट करके रख दिए हैं। और एक और गुड न्यूज़ है कि शिव का जो है प्रमोशन हुआ है तो वो भी सेलिब्रेशन बनता है। जो है फटाफट से चटनी बनाती हूँ क्योंकि अभी लग रही है भूख, 9 बज चुके हैं, नाश्ता करना है। फ्रूट्स वैसे मैंने कट कर दिए, मैं तब तक शिव को दे देती हूँ वो खाते हैं और तब तक मेरी चटनी भी बन जाएगी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे जो है अभी ये पसारा जो है संभालना है पूरा, सब ग्रॉसरी मतलब ग्रॉसरी क्या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं सारे, वो सब मुझे रखना है। कल क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना तो इसलिए हम लोग जाके नहीं ले पाए, यूजली हम लोग जाके ले लेते हैं, तो इसलिए फिर सब हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन। और दूसरा मेजर काम है मुझे सारे कपड़े फैलाने, कपड़े वॉश हो चुके हैं, मुझे अभी उस वाले रूम के कर्टन्स भी जो हैं वॉश करने थे पर पानी थोड़ा गंदा हो गया तो मैं कल वॉश कर दूँगी, आज नहीं करूँगी। गाइज कल मैं ना पाम का पेड़ लेके आई थी और वो भी लेके आई थी, वो क्रोटॉन लेके आई थी और एक वो सक्यूलेंट लेके आई थी, वहाँ पे छोटा सा है, और ये वाला भी सिंगोनियम भी लेके आई थी ग्रीन वाला। तो अभी जो है शिव पाम लगा रहे हैं दोनों में, दो प्लांटर्स भी लेके आए थे, एक ये ऐसे ग्रीन कलर का है और एक ये वाइट कलर का है। तो बोगनविलिया इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना,
और सदा बाहर भी बहुत अच्छे से खिल रहा है, सब रिवाइव कर गए वो आंधी तूफान के बाद से, उसमें भी अब अच्छे से सारी पत्तियाँ आई, मैंने सारे तोड़ दिए थे तो उसमें अच्छे से आ रहे हैं। और इसमें ना इसमें देखिए दो एक स्नेक प्लांट यहाँ निकल गया, इसको मैं दूसरे पॉट में कर दूंगी, और यहाँ पे एक और निकल रहा है तो इसको भी मैं दूसरे पॉट में कर दूंगी। एंड इस वाले मनी प्लांट में ना एक तुलसी जी निकली हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो इसको भी मैं दूसरे पॉट में करने का सोच रही हूँ। अभी मैंने इसको ऐसे लगा दिया है, इस पर भी हम सेटिंग करेंगे इसको ऊपर चढ़ाने के लिए। एंड ये भी टचवुड अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये भी हम विराज के फर्स्ट डे जिस दिन स्कूल था ना उस दिन लेके आए थे, एंड ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं। इसमें फंगस लग गए थे तो मैंने पूरे कटिंग कर दी थी अच्छे से, तो अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड वो रहा जेड प्लांट, इधर भी एक जेड प्लांट है। एंड ये स्पाइडर प्लांट मैंने उससे कट करके लगाया था, उसमें से एक पोर्शन जो है कट करके इसमें लगाया था, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया है अब। और एक वो भी था एलोवेरा भी था, वो भी ग्रो कर गया काफ़ी अच्छा। तो इधर शिव जो है मेहनत करते हुए अपने बर्थडे के दिन बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं, ये पौधा लगा रहे हैं। वैसे तो पेड़ लगाना चाहिए बट ठीक है, पौधा लगा रहे हैं कोई बात नहीं। तो ये रहा वो पाम, काफ़ी बड़ा है एंड मुझे बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया था, तो मैं ये दो लेके आई थी कल। ये मैं दे देती हूँ शिव को, प्राइस में अच्छा दे दिया था ना, काफ़ी अच्छा ग्रो भी है, ग्रोथ भी। तो गाइस मैंने कपड़े भी जो हैं वो फैला दिए हैं। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, मेरी हालत अभी ख़राब हो चुकी है इतना करते करते काम, पर मैं शिव से पूछती हूँ उनको नाश्ता कैसा लगा, मेरी आवाज़ की वजह से बैठ रही है। आप बताओ आपको नाश्ता कैसा लगा आज का? नाश्ता बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट नाश्ता था, हेल्दी एंड टेस्टी, तो मैं तो हमेशा बनवाता रहता हूँ, आज भी अच्छा लगा एज ऑलवेज। तो गाइस बर्तन जो है मैंने वॉश कर दिए हैं, और अभी जो है मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए। मैं खाना लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे थोड़ा सा ना गिफ्ट वगैरह, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुझे शिव के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह प्रिपेयर करना है, तो पर अभी लंच नहीं बना, तो मैं लंच बना लेती हूँ उसके बाद करूँगी। एंड आज तो शिव घर पे हैं तो विराज को भी देख लेंगे जब वो स्कूल से आएगा, तो तब मैं कर सकती हूँ, और या फिर जब वो सोएगा तब मैं कर सकती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट से कुकिंग करने, बस वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब्ज़ी एकदम फटाक से बन जाती है। और साथ ही साथ मैं कस्टर्ड भी मतलब बना दूंगी, उसका मिल्क प्रिपेयर करके रख दूंगी, फ्रूट्स कट कर दूंगी, जब वो ठंडा हो जाएगा तो फ्रूट्स वगैरह उसमें जो है ऐड कर दूंगी। तो गाइस विराज की लाइव लोकेशन जो है वो आ गई है, मैं उसको जा रही हूँ नीचे लेने के लिए। आज का वेदर गाइस बड़ा ही अमेजिंग है, बहुत सुहाना है। विराज जो है वो स्कूल से आ गया है, उसको अभी लेकर के आई, तो अभी बस खाना जो है रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बस मुझे पूड़ी बनानी है, तो अभी मैं आटा सानूंगी और फिर पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि उसका आटा थोड़ा कड़ा होता है ना, तो फिर पहले से गूंद के रख दो तो वो मतलब लूज सा हो जाता है, इसलिए मैं उसको अभी तुरंत तुरंत का बनाऊंगी। तो बस अभी थोड़ी तक विराज भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर हम सब साथ में लंच करेंगे। ये है वो रस्से वाले आलू की सब्ज़ी, और ये कस्टर्ड का वो तैयार हो गया है, बस इसमें मुझे फ्रूट्स जो है ऐड करने हैं, मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें फ्रूट्स जो है ऐड करूँगी।
गाइज, विराज वहाँ पर बैठ के अपनी एक्टिविटी कर रहा है वहाँ पजल वाली, वो अपना लंच कर चुका है, उसको लंच करा चुके हैं। और ये रहा हम लोगों का खाना, बस हम लोग खाना खाएंगे और अभी बज रहे हैं 2, तो मैं फटाफट खाना खा के फिर बाकी के काम देखेंगे। और लंच के साथ हम लोग देख रहे हैं सिटाडेल, अभी उसका एपिसोड 2 देख रहे हैं, एक एपिसोड हम लोग जो है वो देख चुके हैं। तो कैसा लगा मैंने आपका लंच जो बनाया मैंने अभी? बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब मेरा फेवरेट आइटम है भंडारे वाले आलू टमाटर की सब्जी, उसी स्टाइल में बनी है, तो मुझे अच्छा लगा बहुत, मस्त घर पेट खाया साथ में रायता और कस्टर्ड का इंतजार है, कस्टर्ड भी बन रहा है, शाम को देखते हैं क्या खा सकते हैं। तो गाइस, चेंज इनटू अ कम्फी टी शर्ट और लंच वगैरह कर लिया मैंने, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए एंड सारा काम कर लिया। विराज जो है सो चुका है एंड अभी मैं जा रही हूँ वही क्राफ्ट का बनाने, जो भी मैं शिफ्ट को मतलब मुझे गिफ्ट करना है। एंड इस सैटरडे को जाना है विराज के स्कूल में, विराज के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन है, तो आई एम सो एक्साइटेड कि मैं जाऊँ। उसमें था कि डांस परफॉर्मेंस वगैरह भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी मेरी बॉडी वो चीज़ के लिए वो नहीं हो रही है, मैं जाकर डांस परफॉर्मेंस दूँ हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि मैंने एक दिन ट्राई करके देखा, मुझसे बहुत ज़्यादा देर तक डांस नहीं हो रहा है। मैं एक डेढ़ मिनट बाद वो जा रही हूँ क्योंकि मेरा स्टेमिना बहुत वीक हो गया है, मुझे थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करना पड़ेगा। मैं बहुत लेज़ी हूँ वर्कआउट को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर मैं बहुत लेज़ी हूँ, बाकी दुनिया भर का आप काम मुझे दे दीजिए मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर अपनी चीज़ों को लेकर मैं बहुत लेज़ी हूँ। शिव मुझे इतना पुश कर दें कि तुम वर्कआउट करो, मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें करा दूंगा, लेकिन आई एम लाइक कि अरे भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। एक दिन मैंने ज़रा सा कर लिया, मेरी हालत टाइट हो गई है, तो पर नहीं मुझे करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा, ताकि मैं मतलब पूरा दिन एनर्जेटिक फील करूँ। वर्कआउट से बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं भी एक बार कर चुकी हूँ, जब मुझे PCOD का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था तब मैंने वर्कआउट किया था, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, आपको हर टाइम नींद नहीं आती है, हर टाइम थकावट नहीं लगती है, तो वर्कआउट तो ज़रूर करना चाहिए। तो अब बहुत हो गई बातें, अब मैं जाती हूँ अपना काम शुरू करती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं शाम में। अब तो गाइज शाम हो चुकी है अभी एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट बस ऐसे लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ। अभी शिव और विराज जो हैं बाहर गए हैं, एक हमने लैम्प दिया था बनने के लिए वो ही लेने गए हैं, तो मैं अभी जो है बस ज़रा सा लेटती हूँ एंड फिर उठ के मैं थोड़ा दिया वगैरह जलाऊँगी एंड कुछ खा पीऊँगी। भूख तो नहीं लग रही है, बेसिकली कुछ पीने का मन कर रहा है, चाय वाय टाइप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं खड़े खड़े वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे क्या है ना, बैठ के वीडियो नहीं बनाना बनता है, बनाना क्या नहीं बनता, अगर मैं बैठ के बनाती हूँ अगर अचानक से विराज आया तो फिर मुझे संभालने का मौका नहीं मिलता। एटलीस्ट मैं किसी चीज़ पे प्लेटफॉर्म पे बना रही होती हूँ तो ईजी होता है कि एटलीस्ट मैं अपना सामान बचा सकती हूँ, अदरवाइज वो कभी कभी अचानक से आके ना चीज़ें तोड़ा फोड़ी करने लगता है, तो बस वही तब से खड़े होकर कर रही थी मैं। एंड मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए एंड वीडियो भी शूट हो गई है, शिव का गिफ्ट भी रेडी हो गया है और मैं उनको गिफ्ट जो है सारा कल ही दूंगी, कल मैं मतलब जैसे भी उनको रिवील करना है मैं वो कल ही दूंगी उनको, अभी तो नहीं। तो बस मैं 10 मिनट के लिए लेटती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, बहुत सारा काम अभी है, अभी मुझे कुकिंग वगैरह भी करनी है। तो प्लान ये हुआ है कि कुछ चीज़ें शिव बाहर से ऑर्डर मतलब ऑर्डर हो जाएंगी बाहर से एंड कुछ चीज़ें मैं बना दूंगी, क्योंकि आई एम सुपर टायर्ड। Thank you.
मैं जो है थोड़ा सा बस रेडी हो गई हूँ, ड्रेस पहन ली एंड थोड़ा सा बस लिपस्टिक वगैरह लगा ली और कुछ खास नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे केक का सेटअप जो है वो करती हूँ, उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे। ये मैंने बनाई है कढ़ाई पनीर और ये कस्टर्ड, और ये हमने मंगाया है अचारी चाप जो बाहर से, और इसमें गार्लिक नान है, बटर नान है, और ये सैलड है, सैलड ही उनका वाला है और बाकी मैंने भी कट किया हुआ है। चेंज कर चुका हूँ, हाँ मैं चेंज करूँ। तो गाइस पहले मैं जा रही हूँ ये चेंज करूँगी क्योंकि मैं ये ड्रेस गंदी नहीं करना चाहती। तो जो मैंने पहना था मैं वही पहने थे, फिर आराम से बैठ के अपना डिनर करेंगे हम लोग एंड एंजॉय करेंगे। कैसा रहा आपका डिनर? बहुत बढ़िया, शुद्ध शाकाहारी था लेकिन शाकाहारी में बहुत अच्छा पनीर और चाप। चाप तो मैंने मंगाया था, पनीर कैसा बनाया? बहुत बढ़िया बना, कढ़ाई पनीर जैसा होता है वैसे बना है, एकदम बढ़िया, बिल्कुल जूसी से एकदम। तो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड इट येट, और शेयर करिएगा इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई विल बी सुपर सून बैक विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।